और हजारीबाग लोकसभा के रामगढ़ जिले में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव प्रारंभ हुआ, जहां मतदाताओं ने लंबी कतार में खड़े होकर अपने प्रत्याशी को वोट दिया, तो वहीं कई विकलांग और बुजुर्ग भी अपने मत का प्रयोग करते देखे गए। कई दिग्गज जनप्रतिनिधि ने भी अपने समर्थकों के साथ मतदान किया, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय महासचिव सह दर्जा प्राप्त झारखंड सरकार मंत्री फागू बेसरा ने मांडू प्रखंड के बूथ में जाकर मतदान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम लोगों ने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए मतदान किया और हम लोगों ने जनता से अपील किया है कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट करें। भाजपा की 400 पार का नारा जुमला है, उन लोगों ने देश की जनता को छला है, तो वहीं इस बार पहली बार वोट देने आए नए वोटरों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। जी, लोकसभा चुनाव में ये मेरा पहला वोट है जिसे मैं वोट देकर बहुत उत्साहित महसूस कर रही हूँ। जो हमारे देश के लिए अच्छा काम करेंगे, मैंने उसको अपने हिसाब से चुना है और इसके बाद मुझे काफ़ी अच्छा और एक जिम्मेवार नागरिक होने का एहसास हो रहा है। धन्यवाद। ये बहुत खुशी हुई जो हमारे देश के लिए, मेरे लिए जो अच्छा काम करे, हमारे देश के लिए जो बढ़िया करे, मैंने उन्हें चुना है और मैं इस काबिल हूँ कि मैं उन्हें चुन सकूं और आज मतदान करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा पहली मतदान है। जी, पहली मतदान है। देश की संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम लोगों ने मतदान किया और पूरे झारखंड वासियों से, विशेष करके हजारीबाग, कोडरमा और चतरा के मतदाताओं से मेरा अपील होगा कि परिवर्तन के लिए, देश की संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट दें और भारी मतों से विजय बनाएं। 400 पार का नारा जुमला है एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का, और इन लोगों ने देश की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने छला है, धोखा दिया है, वादा खिलाफी किया है और महंगाई को आसमान पहुंचा दिया है और बेरोजगारी का हालत आप देख रहे हैं। इसलिए इस चुनाव में जिस तरह से लोग एक चुनी हुई सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन को लोग जेल में डाला है, उसका बदला झारखंड की जनता लेगी और ले रही है। हम लोग भारी मतों से जयप्रकाश भाई पटेल जीत रहे हैं, भाजपा की जमानत जब्त होने जा रही है।